हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि अरिथमेटिक सर्किट क्या आता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या आता है और सीक्वेंशियल सर्किट क्या आता है, इनकी डेफिनेशंस। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में आपस में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में क्या था कि दोनों में एक चीज़ तो सेम थी कि इन दोनों के पास एक और एक से ज़्यादा इनपुट्स है और उसी के अकॉर्डिंग एक और एक से ज़्यादा आउटपुट होते हैं। ये दोनों में तो सेम है, सेम सिक्वेंशियल में भी दोनों में सेम था कि एक से एक और एक से ज़्यादा इनपुट होंगी और एक से ज़्यादा आउटपुट होते हैं। सेकेंड इसमें क्या था कि जो भी कॉम्बिनेशन सर्किट में हमने क्या पढ़ा है कि इसकी जो भी हमारे पास हम काम करते हैं, इसकी सिर्फ हमारा जो आउटपुट हमें देता है वो क्या देता है, जो प्रेजेंट वैल्यूज़ होती हैं इनपुट की, उस पर ही इसकी आउटपुट डिपेंड होती है। ठीक है, इसकी आउटपुट किस पर डिपेंड होती है, प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट इसकी। ठीक है, और इसकी आउटपुट किससे डिटर्मिन होती है, प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट एज वेल एज पास्ट वैल्यूज ऑफ आउटपुट्स की पास्ट वैल्यूज पे इसके आउटपुट डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इसके पास क्या नहीं होता, इट डज नॉट हैव अ मेमोरी, नॉट हैव अ मेमरी, इसके पास मेमरी एलिमेंट नहीं होता, इट हैज अ मेमरी। नेक्स्ट है, इट डज नॉट हैव अ फीडबैक पाथ, कि अगर आउटपुट ने इनपुट को कोई भी आगे हमने कुछ भी बोलना है कि हमारे पास इनपुट की पूरी वैल्यूज नहीं आई है तो इनके पास कोई भी फीडबैक पाथ नहीं होता उसकी। मतलब हम इनपुट से आउटपुट तो सेंड कर सकते हैं पर इनके पास ऐसा कोई पाथ नहीं है कि आउटपुट से इनपुट उसके पास कन्वर्सेशन हो सके। इट डज नॉट हैव अ, डजंट हैव अ फीडबैक पाथ। हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा होगा कि इसके पास आपस में फीडबैक पाथ नहीं है, इट हैज अ फीडबैक पाथ फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ये जो ऑपरेशंस को डिस्क्राइब करते हैं बाय ट्रुथ, सिर्फ ये ऑपरेशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ओनली ट्रुथ टेबल ऑपरेशंस। इसमें ऑपरेशंस कैसे डिस्क्राइब्ड होते हैं, ऑपरेशंस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ ट्रुथ टेबल, जैसे कि हमने लॉजिक गेट्स में पढ़ा है। ठीक है, इसमें ऑपरेशंस को हम ट्रुथ टेबल और टाइमिंग डायग्राम से डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ ट्रुथ टेबल एंड टाइमिंग डायग्राम। इट डज नॉट हैव अ क्लॉक सिग्नल, इसके पास कोई भी क्लॉक सिग्नल नहीं है कि कितने टाइम पीरियड पे हमारे पास डाटा आया जो सेंड हुआ। डजंट हैव अ क्लॉक सिग्नल, इट हैज अ क्लॉक, हो भी सकता है इसके पास और नहीं भी, मे बी हैव अ क्लॉक सिग्नल और नॉट बी। ठीक है, क्योंकि ये सिक्वेंशियल सर्किट है, मोस्टली सिक्वेंशियल सर्किट में क्लॉक सिग्नल अवेलेबल होता है। नेक्स्ट आ गया इसमें कि ये डिपेंड किसी भी, इसका जो भी कोई भी एक्शन होता है वो क्लॉक ट्रांजिशन पे डिपेंड नहीं करता, क्लॉक ट्रांजिशन पे डिपेंड, डजंट डिपेंड, व्हाट डिपेंड ऑन क्लॉक ट्रांजिशन, और इसका जो गवर्न्ड एक्शन है, इसका एक्शन जो है वो गवर्न्ड बाय क्लॉक, कोई भी काम होगा क्लॉक ट्रांजिशन पे ही डिपेंड होगा, क्लॉक ट्रांजिशन।
नेक्स्ट आ गया एट्थ कि इस जो इसका सर्किट है वो सिंपलर है सिक्वेंशियल सर्किट से, ठीक है। जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है हमारा वो सिंपल है, इज सिंपलर देन सिक्वेंशियल सर्किट, और ये हार्ड है, ये मोर कॉम्प्लेक्स है, इसका सर्किट जो है बहुत थोड़ा उससे टफ है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ये बेसिक गेट्स पे बिल्ट हुआ है। इसमें हमारे पास कई तरह के बेसिक गेट्स लगे हैं, जैसे कि बेसिक गेट्स आ गए, ठीक है, यूजिंग नोट नैंड नोर नोर एंड एग्जॉर, जितने भी गेट्स हैं उस पर बिल्ट होता है। और ये जो है बेसिक गेट एज वेल एज बेसिक गेट्स एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट से इसका जो है सर्किट बिल्ट किया जाता है। इसकी एग्जाम्पल्स हैं, 10th इसकी एग्जाम्पल्स आ गई, कहाँ कहाँ यूज होते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट, एडर सब्ट्रैक्टर मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर कंपैरेटर डिकॉर्डर एक्सेट्रा, ये यहाँ यहाँ कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज होता है। इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। सिक्वेंशियल सर्किट की एग्जांपल्स हैं, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स काउंटर शिफ्ट रजिस्टर्स एक्सेट्रा। इसको हम वन बाय वन इनकी एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एडर और सबट्रैक्टर हम इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे, बाकी सबके अलग अलग चैप्टर्स हैं, वन बाय वन हम उसको पढ़ेंगे। इसके साथ ये टॉपिक खत्म होता है। इसके नोट्स हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट। इसके साथ ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।